हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब आपको पता होता है कि आपको स्किल ये सीखनी है, तो आप उसे अच्छे तरीके से कहाँ से सीख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, क्योंकि जब पिछली वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी स्किल्स जिसे आप इजीली और कम टाइम के अंदर सीख सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं और फिर वहाँ पर उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं मन में, कई लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि अब जो भी मेरे छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं कि भैया हमें अब स्किल्स के बारे में तो पता चल गया है कि हमें ये सीखना है, पर हमें वो राइट पाथ नहीं मिल रहा है कि जहाँ से हम चीज़ों को सीख सकें, हम पहला स्टेप्स कहाँ से लें। तो उस बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको अभी तक कुछ इस बारे में पता नहीं चल रहा है कि मुझे स्किल्स तो ये सीखनी है पर मैं अच्छी तरीके से कहाँ से सीख सकूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में पैसे वैसे होते नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्हें एक अच्छा तरीका भी और सस्ता तरीका दोनों चाहिए। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर उसी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वीडियो कि आप कौन से वे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जिन पर चलकर आप एक किसी भी स्किल को ठीक तरह से सीख सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको तरीका सजेस्ट करना चाहूँगा, देखो बहुत सारे लोग क्या है कि बहुत सारी अच्छी वेबसाइट हैं तो वहाँ से भी सीख सकते हैं, पर आजकल वेबसाइट या पढ़ना इतना किसी को पसंद है नहीं, YouTube का ज़माना है, तो फिर YouTube पर शिफ्ट होते हैं। अब YouTube पर बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं फ्री में अवेलेबल हैं जो कि आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखा सकते हैं। तो पहला तो मैं कहूँगा कि आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं प्रेफर करेंगे, फिर भी अगर आप जानना चाहें तो आप पर्टिकुलर जो भी आपको स्किल सीखनी है जिस भी चीज़ के बारे में जानना है उसे गूगल पर एज इट इज़ टाइप कर दीजिए और वहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट मिल जाएंगे। टॉप रिजल्ट पर आप जाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना पसंद है। तो पहली बात है, अब दूसरी बात है कि आप अगर आपको पढ़ना उतना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो दूसरा आपके लिए यूट्यूब बेस्ट जगह है जहाँ से आप चीज़ों को फ्री में सीख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे आपको सीक्रेट मिल जाएंगे, पर आपको एक पाथ मिल जाएगा और आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो दूसरा, आप जिस भी पर्टिकुलर लाइक चाहे आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी हो, कैनवा वेबसाइट डिज़ाइन सीखनी हो, कैनवा सीखना हो, तो उस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कोर्स डाले हुए हैं फ्री में, जहाँ से आपको बहुत अच्छी अच्छी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप दूसरा तरीका है, आपको दूसरे है कि आपको YouTube पर जाना है, फ्री में चीज़ों को सीखना है और अच्छे तरीके से सीखना है और प्रैक्टिस करके देखनी है। अब जब आप उन सभी चीज़ों को सीख लेते हैं, तो अब अगर आपको यह है कि आपको बहुत ही अपर लेवल पर जाना है, तो आप फिर पेड कोर्स की तरफ जाएं। क्योंकि अगर आपके पास समझ लो ये है कि पैसा भी है, तो आप शुरू में भी पेड कोर्स की तरफ जा सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, मान लो अब मैं क्या हूं, एक बिगनर बंदा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो अब मुझे पता है नहीं कुछ भी, तो पहले मैं उसे फ्री में उसके बारे में चीज़ों को जानूंगा ना, तो वहाँ पर YouTube बहुत अच्छा सोर्स है, आप फ्री में चीज़ों को सीखिए और वहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। तो फिर आप वहाँ पर जाएं, उसके बाद आप पेड कोर्स लें, वो भी अच्छा सा, क्योंकि अब पेड कोर्स में क्या होता है कि चीज़ें आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएंगी कि इस पहले ये सीखना है, उसके बाद ये सीखना है, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक भी आपको सिखाई जाएंगी, शॉर्टकट ले लो या क्या चीज़ें अच्छे तरीके से वर्क करती हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो अब आप पेड कोर्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो फ्री में यूट्यूब से नहीं सीखना चाहता और मैं पेड कोर्स की तरफ ही जाना, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। तो अब जब आप इतना सीख लेते हैं, तो अब सारा खेल होता है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का, जितना आपको प्रैक्टिस होगी जितना एक्सपीरियंस होगा आपकी स्किल्स उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जाएगी। तो ये थे वो स्टेप्स, यूट्यूब पर जाएं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यूडेमी जैसी वेबसाइट हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप कोर्स आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो मैं तो जनरली इन्हीं जगहों से सीखने का ट्राई करता हूँ, और आप भी ऐसा ही करें और अपनी स्किल्स में मास्टर करें, मास्टर करने के बाद आप धमाल मचा सकते हैं, ये मैं चीज़ें आपको आज बोल सकता हूँ।
अगर आप अपने काम में ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और आप बिलीव करते हैं कि ये काम भी अच्छा होगा मेरे लिए, तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई या फिर और भी कुछ ऐसा तरीका है जो आप प्रेफर करते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना या फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर थोड़ी बहुत हम मस्ती मजाक कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।